लोग यहाँ पे चढ़ने वाले हैं 1800 सीढ़ियाँ, जो कि 45 मिनट में हमारा सफर होगा। तो भाई साहब, यहाँ पहुँचने के लिए आपको गुजरात के दो रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। एक होता है छायापुरी, जिससे आपको दूरी पड़ेगी 30 किलोमीटर, और दूसरा होता है बड़ोदरा। ये दोनों रेलवे स्टेशन है, आप इन दोनों में से कोई भी एक रेलवे स्टेशन में आ जाओ, देन यहाँ पे बस बड़ोदरा का बस स्टैंड। तो जैसे हम रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में आपको बड़ोदरा का बस स्टैंड देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पावर के लिए बहुत सारी बसें यहाँ पे लगी देखने के लिए मिल जाती है। भाई बस में जैसे ही बैठते हैं, पूरा ये जो पहाड़ी रास्ता होने वाला था, और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें चिड़ियों की आवाज़ देखने के लिए मिलती है। मात्र 10 रुपए लगा और इन्होंने हमें छोड़ दिया बड़ोदरा। चुके हैं पावरगढ़ में, और यहाँ पे ये छोटा सा किला टाइप का बना देखने के लिए मिलता है, और यहाँ से हम जाने वाले हैं ऊपर की तरफ पहाड़ में। तो बस पूरी तरह ऊपर नहीं जाती है, यहाँ से हम ऑटो या कोई बस पकड़ेंगे जो कि हमें पहाड़ में ले जाएगी। पावागढ़ का बस स्टैंड, यहीं से आपके लिए बस मिलने वाली है जो कि हमें ऊपर की तरफ पहाड़ में माता जी के मंदिर में दर्शन कराने ले जाएगी। तो सबसे पहले हम पता करते हैं बस का चार्ज वगैरह क्या है। देखिए, हम लोग पावागढ़ के जो बस स्टैंड है वहां पर पहुंच चुके हैं, और ऊपर की तरफ हमें छोड़ दिया गया है, देन वहां से हमें लिफ्ट मिलने वाली है। अभी हमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर का सफ़र शुरू करना है, और यहां से हमें दो चीज़ें मिलती है, या तो पैदल कर सकते हैं या तो हम रोप वे का यूज़ कर सकते हैं। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर ऊपर की साइड, बस ने हमें 10-10 रुपये दे के यहाँ पर पहुँचा दिया है। और ये है सीढ़ियाँ, और काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ हैं, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर हमें इन सीढ़ियों को चढ़ के जाना है। या तो हम सीढ़ी से जाएंगे या तो हम रोप वे का यूज़ करेंगे। आगे जाते ही ऊपर जाते यहाँ पे आपको भंडारा देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे स्पेशल नमकीन मिल रहा है, सभी लोग यहाँ पे ले रहे हैं। सारे में स्पेशल हमको नमकीन खाने मिलता है। ऊपर जाने से पहले पेट पूजा जरूरी है, तो हम लोग की हालत बंद हो जाएगी। देखिए, उड़न खटोरा से जाने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और यहाँ पर पैदल यात्रा है जहाँ पर बिल्कुल भी लाइन नहीं है। ये देखिए, कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाएंगे यदि हम लोग इस लाइन में लगते हैं। और ये है उड़न खटोला, हमें यहाँ पे टिकट कटवानी पड़ेगी तब ऊपर जाएंगे, लेकिन ये हमें बेटर नहीं लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पैदल यात्रा करके जाने वाले हैं, क्योंकि हमें टाइम बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा और हमारे पैसे भी गेट से जाएंगे तो बच जाएंगे। यहाँ पे यदि हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रहता है। और टिकट की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर जो नॉर्मल टिकट प्राइस है 150 रुपये का, और बच्चों का जो टिकट है वो 80 रुपये रहने वाला है। और स्टूडेंट टिकट आप लोग टोटल देख, 8 स्टूडेंट के लिए स्पेशल पैकेज भी है 8 लोगों के लिए 1060 रुपये का। तो सबसे पहले अभी ये लाइन को ब्लॉक करके रखा हुआ है कुछ देर के लिए। यदि हमें जाना है तो पानी वगैरह सब कुछ खाना पीना लेके हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 1800 सीढ़ियाँ हैं और 45 मिनट में ये सफ़र पूरा होगा। हमने 3 सीढ़ी चल रही है, और ये हो गई 4, 5, 6, 7, 8 सीढ़ी हो गई हैं। अभी 1800 सीढ़ियाँ हमारी बाकी हैं। सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं होंगी ना जब तक ये दुकान भी ख़त्म नहीं होने वाली है। यहाँ पे खाने पीने से लेके आपको हर एक चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। हमारी 1800 सीढ़ियाँ में से कम 25 से 30 सीढ़ियाँ कम्प्लीट हुई हैं। फिलहाल हमारी हालत क्या होने वाली है ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते हमारी हालत डाउन होने वाली थी, इसलिए भाई साहब से हमने छाछ ली। बहुत बढ़िया छाछ देते हैं। कितने दूर है अभी हमारा ये सफ़र? 5 किलोमीटर सीढ़ियाँ चढ़नी है हम लोगों को। रेडी हैं हम लोग, भी लोग पैदल यात्रा करके यहाँ तो ऊपर से आ रहे हैं काफ़ी दूर से। तो भाई ये लिफ्ट है, आप लोग चाहें तो लिफ्ट से भी हम लोग जा सकते थे, लेकिन अभी हम लोग ने 150 सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं। बट अभी फ़िलहाल हमें ऊपर जाना है लिफ्ट को देखते देखते। अंदर जाते समय हमें यहाँ पे जय माता जी सिकु, और आज हमारा नवरात्रि चाले छे, बड़ा भक्तों ने मारा तरफ की सब बड़ी दिल छुआ, बड़ा आवो पावागढ़ जोवा माटे जय माता दी। जो आपने अभी ये वीडियो देखी है ना, उसमें ये अंदर आने का हम लोगों से 10-10 रुपए अभी इन्होंने लिए हुए हैं। किसी को भी भाई बिना पैसे दिए वो जाने के लिए नहीं दे रहे थे, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो हम लोग ने 10-10 रुपए दिए हैं। तो ये था इनका राज। तो भाई ये अभी तक हमारी आधी सीढ़ियाँ भी नहीं हुई है, और हमारी हालत देख सकते हैं भाई, पसीना निकल गया है। चलो ऊपर, ये पूरी 1800 सीढ़ियाँ हैं, 1800 सीढ़ियों तक ले जाओगे। तो भाई ये देखिए, पूरी 1800 सीढ़ियों तक इसी तरह दीप जला जला के भाई साहब ले जाएंगे ऊपर। भाई ऊपर जैसे ही पहुंचते हैं सभी लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं लाइन से बैठे हुए हैं, नज़ारा देखने मिलता है। पानी भी पीते जा रहे हैं, कोको कोला भी पीते जा रहे हैं, और नींबू पानी भी पीते जा रहे हैं, सब कुछ पीते। सीढ़ी भी यहाँ पे नहीं चढ़ी हैं, और यहाँ पे या भी हमारी आधी सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है, मतलब आधी चढ़ गई है, थोड़ा सा बचा है। यहाँ पे माता जी का रूप देखने के लिए मिलता है, ये देख सकते हैं, शानदार। भाई दिखाओ,
सभी लोग धागा ये बांध के जाते हैं जिसको अपनी मनोकामना पूरी करनी होती है। ये देख सकते हैं चारों, देखो भाई कितने दूर से आ रहे हैं भैया। अहमदाबाद से पैदल। हाँ। भाई साहब ये देखिए अहमदाबाद से पैदल आ रहे हैं। तो भाई आधा कम से कम हमारा 1 किलोमीटर का और सफर बचा हुआ है और समथिंग होंगी 200-300 सीढ़ियाँ बची होंगी। काफी ज्यादा स्ट्रगल है भाई जिंदगी में। तो भाई जब हम स्ट्रगल नहीं होता, पहाड़ में गलती से मुर्गी आ गई है। देखो इसको कैसे आ गई वो बताना जरा। बकरी भी आई है भाई। देखिए जो रोप वे था यहाँ तक छोड़ता है, देन यहाँ से आप लोग एंटर होके रोप वे में अगेन जा सकते हैं। ये देखिए भाई कम से कम हमने जैसे आप लोग रोप वे से यदि लोग आप लोग आए भी हैं ऊपर तो फिर भी आपको 250 सीढ़ी यहाँ पे चढ़नी ही पड़ेगी। स्नान घाट, यदि आप लोग स्नान करना चाहते हैं तो स्नान घाट में जा सकते हैं और देन यहाँ पे आगे की तरफ मंदिर दर्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। मन्नत जो मांगते हैं यहाँ पे, जो भी मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। ये यहाँ पे बरगद का पेड़ लगा हुआ है और नारियल फोलिए और यहाँ पे अपनी मन्नत को इस तरह से आप लोग बांध सकते हैं। रास्ते में आपको जैन मंदिर भी देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे जो बनावट है काफ़ी प्राचीन काल का ये मंदिर है और ये है जैन का मंदिर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे गणेश जी की जो प्राचीन मूर्ति है वो जिसे आप लोग गौर से देख सकते हैं, क्या ही शानदार है। मंदिर का मुख्य द्वार, यहाँ से हमें समथिंग और सीढ़ियाँ चढ़नी है देन फिर हम वहाँ पे ऊपर जा पाएंगे। यहाँ पे आप लोग जूते चप्पल जो है वो यहाँ पे उतार सकते हैं। ये देखिए हमें माता का रूप देखने के लिए यहाँ पे मिलता है, उनको माता जी का रूप। अब मंदिर के अंदर भाई ये आ चुके हैं हम लोग मंदिर में और मंदिर को जो बनाया गया है पहले आप लोग उसको देखिए। यहाँ पे चरण स्पर्श करते हैं और ये भव्य तो जो मंदिर है सुंदर, यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ मंदिर की डिज़ाइन देखिए, प्राचीन मंदिर है, काफी सारे श्रद्धालु जो यहाँ पे खड़े हुए हैं दर्शन करने के लिए। बाहर जाते हैं तो आप लोग गर्व नहीं कर सकते, जितने चाहे आप लोग सभी लोग ऐड होते जा रहे थे और यहाँ से आप लोग सुंदर का कोई देखा हो नहीं देखे। गर्व हमने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत किया और हमें बहुत ही ज्यादा मजा आया। आजा परिषद यहाँ से एग्जिट होंगे और यहाँ पे चल रहा है फिलहाल गरबा। गरबा उस समय कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। माता जी का डोनेशन वहाँ पे देखने मिल जाएगा। अब काफी ज्यादा भीड़ है और ये देख सकते हैं और ये मंदिर है, मंदिर का पीछे का पोर्शन है, हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ पे घर जाएंगे, लेफ्ट देख रहे हैं ना, इससे ट्रक वगैरह ऊपर आते हैं पहाड़ में। भाई अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत खा भी पी लेते हैं और नीचे जाते हैं रोपवे में। 120 रुपए का रोपवे करेंगे। ऐसी रोपवे में पहुंच रहे हैं टोटल 6 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं और यहाँ पे ये हमने मिलके मजे लिए और गुजरात का स्पेशल गुजराती खाना खा। ये मेरा छोटा सा ये उड़न खटोड़ा जान गए आप।